अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की सफ़ेद लोबिया कीमे की रेसिपी लेके आई हूँ। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने बीफ का कीमा लिया है आधा किलो। आप इसकी जगह चिकन का भी ले सकते हैं और मटन का भी ले सकते हैं। 2 कप सफ़ेद लोबिया, इसको मैंने पहले से ही बॉयल कर लिया था। 1 कप दही, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ लहसुन, 1 खाने का चम्मच कुटा हुआ अदरक, 1 चाय की चम्मच सौंफ पाउडर, 4 हरी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 1 चाय की चम्मच काले मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 चाय की चम्मच लौंग और 1 तेज़पत्ता, 1 चाय की चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक हसब ज़रूरत, 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर, 1 बड़ा अदद टमाटर और 1 बड़ी अदद प्याज। तो देंगे तो सबसे पहले 1 कप के करीब हम कढ़ाई में तेल शामिल करेंगे। तेल गर्म हो जाए तो इसमें मसाले डाल के मसालों को थोड़ा सा कड़कड़ाने तक भूनें, फिर इसमें प्याज शामिल कर दें और इसकी भुनाई कर लें। अब इसमें अदरक और लहसुन शामिल करें और प्याज को ब्राउन होने दें। तो प्याज ब्राउन हो गई है, अब हम इसमें कीमा डाल के इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो ये देखें, हमें कीमे की अच्छी तरह भुनाई करनी है जब तक कि कीमे का पानी खुश्क नहीं हो जाता। तो ये देखें, कीमे का पानी खुश्क हो गया है। कीमे की अच्छी तरह भुनाई हो गई है तो अब मैंने इसमें 2 गिलास पानी शामिल किया है। इसको मिक्स करके अब इसको मैंने ढाँक के आधे घंटे के लिए रख दूँगी। आधे घंटे के बाद मैं चेक करूँगी कि कीमा गला है या नहीं, और अगर नहीं गला तो मैं इसको मज़ीद गला लूँगी। तो ये देखें, मेरा कीमा गल गया था और पानी भी खुश्क हो गया था। तो अब मैंने इसमें सौंफ पाउडर डाला है और टमाटर डाल के और इसको मिक्स करना है। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक शामिल करके इसको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि दही का पानी खुश्क हो जाए और मसाले भी भुन जाएं। तो मसाला भुन गया था, अब इसमें सफ़ेद लोबिया शामिल करके इसको मज़ीद थोड़ी देर भूनेंगे। अब मैं इसमें 1 कप के करीब पानी शामिल करूंगी और इसको थोड़ी देर दम पे रख दूंगी। मुझे दरअसल ग्रेवी चाहिए, इसीलिए मैंने पानी डाला है। अगर आपको ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप पानी मत इस्तेमाल कीजिए। तो ये देखें, मज़ेदार कीमा लोबिया तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।